नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में दोस्तों आप सभी के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आए हूँ जो कि जनवरी 2022 से अभी लेटेस्ट मार्च 2022 तक यह करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा साथ ही साथ व्यापम के अन्य एग्जामों की भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह काफ़ी बेनिफिट रहेगा तो चलिए देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर के लगभग टॉप थर्टी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आपको इस चैनल में लगातार करंट अफेयर एवं पटवारी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी पटवारी या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई जॉब से रिलेटेड या जानकारी से कोई संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य से पहुँचे साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया देगा उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के पी उपलब्ध करवाई जाती है तो आइए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों इससे पहले मैंने करंट अफेयर के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखा है तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जाकर जरूर देखिए या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ पटवारी प्रैक्टिस मॉडल सेट लगभग ग्यारह मॉडल प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में पैंतीसवां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ कोच्छी फरीदाबाद चेन्नई लखनऊ तो उसका सही आंसर फरीदाबाद हो जाएगा जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है और जो पैंतीसवां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प का जो आयोजन हुआ था तो उसमें जो थीम था वह था स्टेट जम्मू कश्मीर इसको भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का यहाँ पर पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने तो मनीष नरवाल कृष्णा नागर देवेंद्र झड़िया या मनोज सरकार तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया जो कि पहले एथलेटिक बने हैं जो कि पैरा एथलेटिक है जिसको पद्म भूषण दिया गया है अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है कौन सा राज्य यहाँ पर सबसे पहले कागज रहित विधानसभा बनाए तो उत्तराखंड मणिपुर नागालैंड या बिहार तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा नागालैंड अगला क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो अट्ठारह मार्च उन्नीस बीस या इक्कीस तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा प्रतिवर्ष बीस मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय गौरया दिवस अगला है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार सीएम बने हैं तो मणिपुर उत्तराखंड पंजाब या झारखंड तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दो तो में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो अतरंगी रे पुष्पा पुष्पादा रायज जैस में जैते हैं तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा पुष्पा द रायज को यह अवार्ड दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी सर्वे के अनुसार किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो चार ऑप्शन है गोवा सिक्किम दिल्ली महाराष्ट्र तो इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा पहले नंबर पर सिक्किम है दूसरे नंबर पर गोवा और यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिल्ली है तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका सिक्किम अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 220, 145, 170, एक सौ तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 220 सौ बीस अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है अगला है हाल ही में बार्क इसका स्पेलिंग यहाँ पर सी होगा बार्क का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है तो जयंत घोष धीरेन्द्र झा शशि सिन्हा या आशीष झा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सशी सिन्हा हो जाएगा जिसको हाल ही में बार्क का नया अध्यक्ष बनाया गया है अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है तो अठारह मार्च उन्नीस मार्च बीस या इक्कीस मार्च तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा बीस मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता तो चार ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग्यारह का सी हो जाएगा करोलीना बिलास कौवा अगला क्वेश्चन है बाप्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है तो चार ऑप्शन है द पावर ऑफ द डाक नो टाइम फॉर डाई ए एक्टिव प्लेस से द फादर तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा द पावर ऑफ द डाक इसको दिया गया है अगला क्वेश्चन है तेरवा नंबर हाल ही में किसने ऑल इंडिया बैडमिंटन 2022 हज़ार बाईस में पुरुष एकल का खिताब जीता है तो चार ऑप्शन है विक्टर एलेक्स लक्ष्यसेन बगास मलाना मौलाना या ताई जुंगिंग तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा विक विक्टर एलैक्सन ने यहाँ पर खिताब जीता है और लक्ष्य सेन को यहाँ पर कांस्य पदक मिला था अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी तो पेटीएम बायजूस अन अकेडमी या पे तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा बायजूस जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी है अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है तो एक सौ तैंतीसवा एक सौ चौंतीसवा एक सौ छत्तीसवा एक सौ अड़तीसवा तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एक सौ छत्तीसवा स्थान को प्राप्त हुआ है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में अगला क्वेश्चन है फरवरी दो के लिए आई प्लेयर ऑफ़ द मंथ सम्मान किस खिलाड़ी को दिया गया है तो हसन अली मोइन अली श्रेयस सैर या सोए मलिक तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा श्रेष्ठ ईयर जो भारतीय खिलाड़ी है उसको आई प्लेयर ऑफ़ द मंथ फरवरी के लिए दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है तो शक्तिकांत दास है मारियो मार्शल रघुराम राजन या इनके सी तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा मारियो मार्शल जिसको हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लमिटी 2022 शुरू हुआ तो यहाँ पर चार ऑप्शन है यूके से सेल्स फ्रांस इटली तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा अठारह का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा से सेल्स अगला क्वेश्चन है पंजाब में आम आदमी पार्टी को कितना सीट मिला तो बहत्तर तिरासी बयानबे या एक सौ चार तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा यहाँ पर बयानबे सीट मिला है और पंजाब के नए सी एम भगवंत मान को बनाया गया है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है याद रखना है अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है तो राजस्थान है मध्य प्रदेश झारखंड या छत्तीसगढ़ तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना बेटियों के लिए चालू किया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी सैनवान का निधन हुआ वो किस देश के खिलाड़ी थे तो यह क्रिकेट खिलाड़ी थे सेनवान आप सभी को मालूम होगा तो इंग्लैंड है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं सेनवान जिनका हाल ही में बावन वर्ष के आयु में इसका निधन हुआ है अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान 2020 और 2021 का सम्मान दिया गया है तो 21 है उनतीस है चौंतीस है सैंतालीस है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा उनतीस महिलाओं को दो हज़ार का नारी शक्ति सम्मान दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है तो राजस्थान असम गोवा या तमिलनाडु तो इसका सही आंसर यहाँ पर गोवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोवा गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है अगला क्वेश्चन है चौबीसवा नंबर हाल ही में किस किसे सेवी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो प्रीति रावत अनिता रामपाल माधुरीपुरी या वर्षा कुमारी तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा माधुरीपुरी को सेवी का अध्यक्ष बनाया गया है अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया तो चार ऑप्शन हैं यहाँ पर देख सकते हैं भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी भाषा सेंटर रेजोल्यूशन या कल्चर सर्टिफिकेट पावर तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पच्चीस का ए हो जाएगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अगला क्वेश्चन है छब्बीसवा नंबर किसने ने अवार्ड दो में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है तो टॉम कुस है विल स्मिथ है या ब्रेड पिट है या मिश्र कौन है तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा स्मिथ अपमिथिश्व का अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है चीन है जापान है अमेरिका है उत्तर कोरिया तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जापान ने हाल ही में अपने देश में पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है और जर्मनी ने सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं लगभग 2018 में इसका लॉन्च हुआ था जर्मनी का और अभी हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने मिलकर नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है आपको यह बताना है यहाँ पर भारत और किस देश ने मिलकर नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं तो फ्रांस है इटली है रूस है या जापान है तो अट्ठाईस का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रांस के साथ मिलकर यहाँ पर हस्ताक्षर किया है किस में नीली अर्थव्यवस्था में अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है किस देश ने तो नॉर्वे जर्मनी चीन या अमेरिका तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर पदक जीता है जो कि शीतकालीन दो हज़ार ओलंपिक दो हज़ार बाईस में अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है तो कृषि मंत्रालय परिवहन मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कृषि मंत्रालय ने हाल ही में यहाँ पर मेरा पॉलिसी मेला हाथ अभियान का शुरुआत किया है अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो जयंत घोष धीरेन्द्र झा विनोद खंडारे इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा विनोद खंडारे को रक्षा मंत्रालय का नया सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों इस तरह आपके थर्टी क्वेश्चन थर्टी वन क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लगातार आपको इस चैनल में करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप चैनल में बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और एम क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले में भी जाकर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है ओनली तेरह दिनों को लगभग समय बचा है तो आप अच्छे से तैयारी करिए लगभग बारह दिनों को समय बचा है तो आप अच्छे से तैयारी करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए ताकि आपको फायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें तो चलिए दोस्तों धन्यवाद